नई महामारी का खतरा, चीन के अंदर बच्चों में फैल रही रहस्यमय बीमारी, स्कूल बंद करने की तैयारी। चीन के वुहान शहर से कोरोना महामारी की शुरुआत हुई और फिर धीरे धीरे उसने पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। अब ऐसी ही एक नई महामारी के संकेत नजर आ रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इसकी शुरुआत भी चीन से ही हुई है। सीएम नीतीश कुमार की मोदी सरकार से गुहार, कहा हमने घोषणा की है यह दें तो जल्दी पूरा करेंगे लक्ष्य। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने एक बार फिर बिहार के लिए झोली फैलाई है। सीएम ने पीएम से फिर मांग दोहराई है कि वह बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे, साथ ही अपने प्रयास भी बता दिए हैं। दिल्ली और एनसीआर में अगले हफ्ते बढ़ेगी ठंड। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के चलते आने वाले दिनों में दिल्ली और एनसीआर में ठंड बढ़ जाएगी। फिलहाल दिल्ली एनसीआर के तापमान में गिरावट देखने को मिली है, लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों के दौरान दिल्ली एनसीआर में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। ऐसे में अगर दिल्ली और एनसीआर में बारिश की गतिविधियां दर्ज की जाती हैं तो तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी। दिल्ली और एनसीआर के लोगों को महंगाई का झटका, आईजीएल ने बढ़ाए सीएनजी के दाम। सीएनजी सप्लाई करने वाली कंपनी इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में सीएनजी की कीमतें में 1 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड की ओर से सीएनजी के दामों में इजाफा आज गुरुवार यानी 23 नवंबर 2023 से लागू किया गया। सीएनजी की कीमतें बढ़ने का असर परिवहन और दैनिक वस्तुओं पर पड़ सकता है। दिल्ली में कम नहीं हो रहा है वायु प्रदूषण, दुनिया के टॉप 15 प्रदूषित शहरों में भारत के 3, जाने क्या है सभी का एक वाई लेवल। दिल्ली के साथ देश के कई और शहरों की हवा भी जहरीली होती जा रही है, यहां तक कि दुनिया के टॉप 15 प्रदूषित शहरों की सूची में 3 भारत के हैं। दुनिया के टॉप 15 प्रदूषित शहरों में भारत की राजधानी दिल्ली, कोलकाता और मुंबई का नाम है। स्विस कंपनी AQI की लाइव रैंकिंग में 23 नवंबर 2023 को राजधानी दिल्ली दूसरे स्थान पर है।